हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या माँ सागर। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को बढ़ने से पहले डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या माँ सागर। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। स्टैटिक्स डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 29 मई, 29 जून, 30 जुलाई। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टैटिक्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 29 जून। नेक्स्ट है, 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द कंट्रीज। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन सी कंट्रीज होस्ट करने वाली हैं? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन एंड फ्रांस, कतर, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जर्मनी एंड यूएसए। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन सी कंट्रीज होस्ट करने वाली हैं? इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट है, नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? ऑप्शंस हैं कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट स्टेडियम इज, इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है उसका नाम क्या है? ईडन गार्डन, मोटेरा स्टेडियम, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है मोटेरा स्टेडियम। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SAARC डेवलपमेंट फंड। हेडक्वार्टर किधर है SAARC डेवलपमेंट फंड का? ऑप्शंस हैं थिम्पू भूटान, काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, न्यू दिल्ली इंडिया। सोचिए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ SAARC डेवलपमेंट फंड कहाँ लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है थिम्पू भूटान। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट फंड का हेडक्वार्टर थिम्पू भूटान में है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड टेलीनॉर इंडिया। किस कंपनी ने टेलीनॉर को अपने अंडर ले लिया है? इसके ऑप्शंस हैं आइडिया, एयरटेल, जियो, BSNL। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सी कंपनी ने टेलीनॉर इंडिया को प्राप्त कर लिया है? इसका करेक्ट आंसर है एयरटेल। नेक्स्ट है, एशियन फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। 2020 के अकॉर्डिंग पूछा है इसमें। वैसे जिस समय आप पेपर दे रहे होते हो उस दिन उस ईयर का याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी 2020 का लिया है, जैसे अगर पेपर 2021 में पूछा गया है तो 2021 का बताना है, 2022 में पूछा गया तो 2022 का। तो इसमें 2020 का एशियन फिल्म फेस्टिवल किस कंट्री में हुआ था? 2020 में चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया। इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको आर सिचुएटेड। कौन सी सिटी में इंडिया के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है, विच इज द लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। सबसे कम बोले जाने वाली भाषा इंडिया में कौन सी है? सिंधी, नेपाली, संस्कृति, कश्मीरी। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंडिया में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा, इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति। संस्कृति सबसे कम बोली जाती है इंडिया में। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री या सिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। किस कंट्री या किस सिटी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, न्यू दिल्ली इंडिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस कंट्री या सिटी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फिर से, अभी 2020
का थीम पूछा गया है 2021, करंट जो हमारे डेज निकल गए होते हैं उसका थीम रखना याद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं। तो 2020 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। 2020 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम, इसका करेक्ट आंसर है टाइम फॉर नेचर। अब इसमें 2020 की थीम इसलिए बोली थी क्योंकि एनवायरनमेंट डे 5 जून को आता है। इस साल की थीम जब 5 जून एनवायरनमेंट डे आएगा उस समय पता चलेगी। तो 2020 की थी टाइम फॉर नेचर। नेक्स्ट है, हु वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी। किस मूवी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था 2020 में बेस्ट मूवी के लिए? छिछोरे, दिल बेचारा, तन्हाजी, सत्यमेव जयते। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी, इसका करेक्ट आंसर है तन्हाजी इज द करेक्ट आंसर। इस मूवी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट मूवी। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का जो चेयरमैन है उसका नाम क्या है? राहुल जोहरी, जय शाह, शशांक मनोहर, गौरव गांगुली, सॉरी सौरव गांगुली। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राहुल जोहरी, जय शाह, शशांक मनोहर, सौरव गांगुली, इसका करेक्ट आंसर है सौरव गांगुली जो है चेयरमैन है बीसीसीआई का। नेक्स्ट है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी लोकेटेड। जापान, चाइना, बेल्जियम, इंडिया। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट और अरेंज एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के फ्लो को मॉनिटर करती है या फिर अरेंज करती है एग्रीकल्चर क्रेडिट को इंडिया में? नाबार्ड, NABARD नाबार्ड, SIDBI, RBI, SEBIA, SEBIA, इन सब में से कौन सा करेक्ट आंसर है? विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट और अरेंज एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है नाबार्ड। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विद्यामा सागर। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।